हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशोक पुरा ट्यूटोरियल पर। तो आज हम आपके लिए एक टिफ़िन बैग लंच बैग बना के दिखाने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको इस तरह से फैब्रिक कट करके उनको अस्तर फॉर्म या कोई भी प्लास्टिक बैग हो उसके साथ प्रिंट कर लें। इसका साइज़ जो मैंने लिया है वो है 8.5x10 इंची का। उसके बाद एक पीस को आपको हटा देना है और एक पीस को रखना है और ऊपर की साइड से 2.5 इंची की दूरी पर निशान लगा लेना है और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो लाइन हमने ड्रॉ किया उसी लाइन से इसको हमें कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। कट हो जाए उसके बाद हमें इसमें एक जिपर को अटैच करना है। तो मैंने एक जिपर ली हुई है सेम इसी साइज़ की। इसमें रनर मैंने पहले से इंसर्ट किया हुआ है, उसको रख कर एक बार स्टिच कर लेंगे और फिर ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा ली है। इसके बाद अब इसका जो दूसरा पार्ट था कटा हुआ वो रखेंगे और रखने के बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे और फिर पलट कर इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने इस पर भी टॉप स्टिच लगा ली है। और अब इसके बाद हमने अंदर की तरफ एक फैब्रिक लगाना है पॉकेट वाला, तो एक फैब्रिक लिया है और उसको इस तरह से रख कर हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इसके चारों तरफ स्टिच कर लेनी है और स्टिच हो जाए तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके चारों तरफ से वो हमें यहाँ से कट कर देना है। तो चलिए उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये कट कर लिया है। इस तरह से हमारी ये पॉकेट बनकर पूरी तरह से रेडी हो गई है। इसमें हम अपना कोई भी सामान मोबाइल आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद अब हमने हैंडल बनाना है। तो हैंडल के लिए मैंने वाइट कलर का एक फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई 4 इंची और लंबाई 16 इंची ली हुई है। इस तरह से पकड़ना है, दोनों साइड से इसको फोल्ड करते हुए एक बार और फोल्ड कर लेना है और फिर हम दोनों किनारों पर स्टिच लगाकर हैंडल को रेडी कर लेंगे। अगर आपको हैंडल बनाना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस पर प्रॉपर वीडियो और कई तरह के डिजाइन के हैंडल बनाना आपको सिखा देंगे कि किस तरह से कौन सा हैंडल कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो मैं साइड से 2.5 इंची की दूरी पर निशान लगा लेता हूँ दोनों तरफ से, और जो निशान मैंने लगाए हैं उन निशानों पर रखूँगा और ऊपर से एक फैब्रिक की पट्टी और रखूँगा और इसके बाद इसको मैं स्टिच कर लूँगा। तो इस तरह से ये हमारा हैंडल स्टिच हो जाएगा। फिर हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद इसके किनारे पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर एक टॉप स्टिच एक पैर वाली लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम एक स्टिच और लगा लेंगे जिससे कि कोई भी रफेज ना रहे। तो अब ये हमारा हैंडल पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया है। सेम दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से हैंडल को अटैच करना है। हैंडल रखेंगे फिर एक फैब्रिक पट्टी रखेंगे, इसी तरह से बनाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसको हम रेडी करते हैं। तब तक अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम नए नए डिजाइन के बेहतरीन बैग आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों को भी शेयर करें जो इस तरह के बैग बनाना सीखना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से सीख सकते हैं। इस तरह से हैंडल अटैच हो गया दूसरे पार्ट में भी। फिर हम इसकी चारों तरफ की जो है साइड को माप लेते हैं, वो 29 इंची है। उसके बाद हमने एक पट्टी तैयार की हुई है जो 3.5 इंची चौड़ी है, 29 इंची, और 3-4 इंची हमने इसको एक्स्ट्रा रखा हुआ है लंबाई में, क्योंकि हमें ऊपर की साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसकी किनारी को स्टिच कर लेना है। दूसरी किनारी को अभी हम स्टिच नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से पूरी तरह से इस पर स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले हम इसके ऊपर एक फैब्रिक पट्टी और रखेंगे, वो मैंने वाइट कलर की ली हुई है, क्योंकि इस किनारे के रफेज को हम बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रखा है और रखने के बाद अब हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। पट्टी को और फैब्रिक पट्टी को दोनों को हमें पकड़ते हुए इस पर स्टिच लगानी है। तो चलिए इस पर स्टिच हम इस तरह से लगा लेते हैं। कॉर्नर पे कट मारेंगे जिससे कि इसे फोल्ड करने या मोड़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने इसको, और अभी हमें पूरा नहीं स्टिच करना है, थोड़ा सा रखना है। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे और इसकी सीध में रखते हुए हम इसे फोल्ड करके किनारे को बना लेंगे। पहले से क्लोज मैंने इसी नहीं किया, क्योंकि कभी ये छोटा या बड़ा हो सकता है स्टिच करते समय, तो इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है।
बहुत सारे जो सिखाते हैं वो पहले ही स्टिच कर लेते हैं, और बिगनर जो हैं पर जब स्टिच करते हैं तो उनका ये पार्ट कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से इसको बताया है। फिर हम फैब्रिक की पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको ऊपर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से किनारे की जो भी धागे हैं, किनारी है, वो अंदर की तरफ इसमें स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस पर भी स्टिच कर ली है। आपको भी इसी तरह से स्टिच कर लेनी है अगर आप इस बैग को बना रहे हैं तो। तो इस तरह से हमने इसमें तीनों साइड से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर ली है। और अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद इस पार्ट पे भी हमें स्टिच कर लेनी है। अपनी फैब्रिक की पट्टी को इसके साथ रखना है जिससे कि इधर के साइड के किनारे को भी हम क्लोज कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप बनाना सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद इस पट्टी को भी हमें इसी तरह से पलटना है, और पलटकर फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। अगर आपको और डिजाइन के बैग सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप किस तरह का बैग सीखना चाहते हैं, तो उसी पर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। और अगर ढेर सारे बैग्स की डिज़ाइन आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर कई सारे डिज़ाइन के बैग आप देखकर उनकी कटिंग और स्टिचिंग आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पे भी स्टिच कर लिया है, और अब ये हमारा लंच बॉक्स बैग बनके तैयार हो गया है। हम अब अपना कोई भी लंच बॉक्स हो, टिफ़िन हो, इसमें रखेंगे, और बाइक पर या कहीं भी ले जा रहे हैं तो हैंडल को पकड़कर आसानी से हम इसको साथ ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को देखकर आसानी से बैग बना पाएंगे। तो अगर और ढेर सारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर जाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।